डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने इन सभी इक्वेशंस को सॉल्व किया, राइट? दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब इसकी मीनिंग क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल? तो लीनियर इसलिए कहते हैं बिकॉज इन इक्वेशंस में जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट डिग्री वन है। डिग्री मीन्स वॉट? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे जो भी इक्वेशंस हैं उनमें वेरिएबल्स की डिग्री वन है। देखते हैं कैसे। यहाँ पे a है, a का पावर 1 है। हेयर द वेरिएबल इज m, अगेन द पावर इज 1। इन सच अ वे इन ऑल दीज इक्वेशंस द डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज 1। देयरफॉर दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस बिकॉज द डिग्री इज 1। सो दीज आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। और इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इन सभी इक्वेशंस में एक एक वेरिएबल है। यहाँ पे ओनली वेरिएबल ए है, हेयर द ओनली वेरिएबल इज एम, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है दैट इज एक्स। तो एक एक वेरिएबल है इसलिए दीज आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि हमारे पास कुछ 5 रुपीज के नोट्स हैं और कुछ 10 रुपीज के नोट्स हैं और टोटल अमाउंट 100 है। तो इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन थी 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 100। अब मुझे बताइए, क्या इस इक्वेशन को भी लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं? कैन वी कॉल इट अ लीनियर इक्वेशन? x का पावर 1 है, डिग्री ऑफ x इज 1, डिग्री ऑफ y इज ऑल्सो 1, क्योंकि बिकॉज द डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल इज 1 इन दिस इक्वेशन, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे भी डिग्री 1 है इसलिए ये इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे है कितने वेरिएबल? तो देयर आर 2 वेरिएबल्स। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसका और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लिख सकते हैं कि 5m प्लस 7n इक्वल्स टू सपोज अ नंबर 20। सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो a linear equation in 2 variables.